हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैं बहुत इमोशन हूँ आज और खुश भी हूँ, वो इसलिए क्योंकि नेशनल अवार्ड मिल चुका है श्रीदेवी जी को। जी हाँ, उनकी परफॉर्मेंस जो मॉम फिल्म में थी वो कमाल की थी और मैं भी कुछ इसी तरह से एक्सपेक्ट कर रहा था कि उन्हें ये अवार्ड ज़रूर मिले, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया था और मॉम फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मैं कहूँगा। और मुझे जब से श्रीदेवी की जो डेथ की खबरें आई, मुझे ज़रा भी यकीन तभी नहीं था ना तो अभी है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस थी इंग्लिश में इंग्लिश और मॉम में वो कमाल की थी। मतलब आप सोच नहीं सकते, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी। और अगर किसी को पता हो या ना हो, जापान में भी इंग्लिश में इंग्लिश ने धूम मचाई थी और चौथी सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी। और मॉम फिल्म भी कमाल की फिल्म थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, खास करके उनका वर्क, जो एक्सप्रेशंस थे, जो उनकी खामोशी थी, जो उनके दर्द थे, वो बिल्कुल पता चल रहे थे उनकी परफॉर्मेंस से इस फिल्म में। और उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, यानी कि एक्ट्रेस को नहीं कहा जाता, बेस्ट एक्टर का अवार्ड अब मिला है फीमेल कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया में, और बहुत बड़ा एक अच्छी चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा डिज़र्व करती थी श्रीदेवी जी। और इसलिए मैंने कहा कि मुझे दुख भी हुआ है और बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बहुत अच्छी चीज़ हुई, डिज़र्व करती थी मॉम फिल्म के लिए, डिज़र्व करती थी लेट श्रीदेवी जी। चलिए,